आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 भारत पर। झारखंड जरोगा का यह बुलेटिन। बढ़ते खबरों में आगे, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार की नियोजन नीति पर एक बार फिर टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में यह सरकार मेधावी लोगों को नौकरी देने में हतोत्साहित कर रही है। नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई थी, उन्हें भी इससे वंचित किया जा रहा है। इस परीक्षा में भाषा के साथ भी नीति स्पष्ट नहीं है। उनसे बात की हमारे सहयोगी राजेश ने। कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिस पर विपक्ष को कहीं न कहीं ऐतराज है या उसकी आलोचना हो रही है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि नियोजन नीति को लेकर सरकार पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। अभी कुछ परीक्षाओं जो हुई, नियुक्ति प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया गया। तो सर, क्या मकसद हो सकता है आपकी नियुक्ति? मकसद कुछ भी नहीं है, जिनको कुछ करना नहीं। जब करना होता तो जिन लोगों ने अभी तक सब कुछ फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं पूरी हो गई थी, तो ऐसे भी नियुक्तियों को सरकार ने रद्द कर दिया। या फिर एक तो करना नहीं होगा, या फिर उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा कारण छुपा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ करने की। और पिछले दिनों जैसे जीपीएससी में भी सब दिखा उसका कारण, जीपीएससी के एग्जाम में गड़बड़ी हुई, बिल्कुल ये तो सिद्ध हो चुका है, प्रूफ हो चुका, उसके प्रमाण मिल भी चुका। लेकिन उसके बाद भी फाइनल एग्जाम लेने की वो तैयारी कर रही है, लड़का सड़क पर विरोध कर रहे हैं। हम सब लोगों ने भी विधानसभा में आवाज़ उठाई, लेकिन उस पर वो चर्चा करने को ही तैयार नहीं है। तो ये सरकार की मंशा इसमें साफ दिखता नहीं है। लगता है कि वो गड़बड़ करने की फिराक में है। अगर उसको सीधे अर्थों में हम कहें कि हर जगह से अर्थ उपार्जन की वो रास्ता वो ढूंढ रहे हैं। दो वर्षों में कितने बच्चों को भत्ता मिला, किसानों के साथ भी वही हालत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई पिछली जितनी घोषणाएँ हुई थी उसी प्रकार की ये घोषणा घोषणा ही ना रह जाए। कैमरामैन दीपक के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।